नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों सीटीआर शिक्षक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म चालू करने को लेकर परीक्षा तिथि आपकी क्या रहेगी दोस्तों, सिलेबस व पैटर्न में आपको इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ इस बार जो अपडेट आ रही दोस्तों की CBSE बोर्ड CTET में नेगेटिव मार्किंग का जो अपडेट है इस बार करने वाला है। जी हां दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ बदलाव CBSE बोर्ड के द्वारा CTET में किए जाते हैं। इस बार नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिल सकती है। अब नेगेटिव मार्किंग के पीछे क्या कारण है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्ततों ऑनलाइन एग्जाम में आपको जो ऑप्शन आते हैं ABCD, तो उसमें अगर मान लीजिए आपने पहले ए को सही कर दिया, बाद में आपको पता चलता है कि ए सही नहीं है, तो आप इसको टिक को हटाकर बी पर भी टिक लगा सकते हैं। ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है ऑनलाइन एग्जाम में। वहीं दोस्तों ऑफलाइन में ऐसा नहीं था, ऑफलाइन में आपको OMR शीट को भरना होता था। इसीलिए दोस्तों इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल सकती है CTET में। और इसका जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो 150 नंबर का होता है। सामान्य कैटेगरी में 90 अंक आपको पास होने के लिए लाने होते हैं जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को, बाकी सभी छात्रों को पास होने के लिए 82 अंक लाने होते हैं, जैसे कि OBC SC ST। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि CTET का पेपर के आवेदन कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों 5 अक्टूबर तक की अपडेट है कि 5 से 8 अक्टूबर के आसपास दोस्तों आवेदन शुरू हो जाए, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर तक आपकी छुट्टी है दोस्तों। तो 5 अक्टूबर से पहले तो CBSE बोर्ड CTET का नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन 8 अक्टूबर तक आपकी 5 से 8 अक्टूबर के आसपास CTET का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा CBSE बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जैसा कि दोस्तों बोर्ड की तरफ से अपडेट आ रही है। और 16वां संस्करण आपका आयोजित करवाया जाएगा। और पहले आपकी एग्जाम दोस्तों 2 बार होती थी, लेकिन अब एग्जाम दिसंबर के महीने में ही 1 बार हुआ करेगी साल में। और इस बार फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को शामिल किया गया है, इस वजह से दोस्तों CTET में फॉर्म भी ज़्यादा भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट बताई जा रही है 8 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, क्योंकि इससे आप लेट फॉर्म कर भी नहीं सकते। दिसंबर में आपको एग्जाम भी कराना है और CBSE बोर्ड इस परीक्षा को आयोजित करवाता है। CBSE बोर्ड ने कैलेंडर जारी कर दिया जिसमें कि दोस्तों फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, इस हिसाब से आपको दिसंबर से जनवरी तक CTET आयोजित करवाना होगा और फरवरी तक रिजल्ट भी घोषित करना होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही दोस्तों जो है पिछली बार भी ऐसा ही देखने को मिला था। इसीलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका CTET का नोटिफिकेशन जारी करने की बोर्ड तैयारी कर रहा है। प्राइमरी और एलिमेंट्री के लिए दोस्तों आपके पेपर का आयोजन होता है, 2 पेपर आपके इसमें आयोजित करवाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को भी इस बार मौका दिया गया है, वो भी शामिल हो सकते हैं, उनकी भी पात्रता को मान्य माना जाएगा, एलिजिबिलिटी उनको भी दी जाएगी, सर्टिफिकेट भी दी जाएगी दोस्तों। चलिए आज को इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।